हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी ढाबा स्टाइल में। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने गोभी और आलू को पहले इस प्रकार से काट के रखी हुई है। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। हल्दी के बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर देंगे, थोड़ा सा नमक लेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम एक कढ़ाई को गरम करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा तेल लेंगे और तेल को गरम होने दीजिए। तेल अब गरम हो चुका है। अब हम गोभी आलू को इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे गोभी आलू को। इसी प्रकार से ऑयल के साथ हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और ढककर 10-15 मिनट पकाएंगे। पाँच मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। सब्जी थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, लाल दिख रहा है। हम थोड़ा सा ये ऊपर नीचे नहीं करेंगे तो नीचे का पर्शन जल सकता है। अब हम फिर से 5 मिनट ढक के पकाएंगे और गैस को सिम कर देंगे। अब 5 मिनट हो चुका है, अब ये बिल्कुल रेडी है सब्जी पकाने के लिए। देखिए ये गोल्डन रेड कलर हो चुका है। अब हम एक और जगह पे इसको निकाल देंगे। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल ली है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं जो आप घर में खाते हैं। तेल अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो हम अभी थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। जीरा भी अच्छी तरह से चटक चुका है। अब हम एक टुकड़ा दालचीनी और 2 इलायची वो तेल में ऐड करेंगे। और एक तेज पत्ता ले ली है। मैंने एक प्याज को काट के रखी हुई थी वो भी तेल में ऐड करूंगी और अच्छी तरह से लाल होने तक भूनूंगी।
अब ये प्याज हो चुका है, लाल हो चुका है। तो मैंने एक पेस्ट बना के रखी हुई थी, प्याज लहसुन और अदरक सब मिला के मैंने पेस्ट कर लिया था। अब इसे प्याज में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे। हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 2 चम्मच, अगर आपको कम तीखा पसंद है तो कम ले सकते हैं, गरम मसाला इस स्टेज में हम ऐड कर देंगे। और सारे मसालों को एक साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इस मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि तेल ना छोड़ दे। अब हम ढककर 2-3 मिनट तक पकाएंगे। अब ये मसाला हो चुका है, पक चुका है। तो मैंने एक प्याज को काट के रखी हुई थी, उसको मैं इसी पे ऐड करूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब हम पकने के लिए 5 मिनट ढक के पकाएंगे। अब ये टमाटर हो गया है, अच्छी तरह से पक गया है, मसालों के साथ भी मिक्स हो गया है। देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस स्टेज में हम थोड़ा सा कसूरी मेथी मसालों पे ऐड करेंगे। मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हम टमाटर सॉस 2 चम्मच करीब ऐड करेंगे। सब्जी का टेस्ट इसमें से बढ़ जाता है।
अब ये मसाला रेडी हो चुका है, तो मैं ये आलू और गोभी को ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला आलू और गोभी के अंदर तक चला जाए इसीलिए हम थोड़ी देर तक ढक के पकाएंगे, 2-3 मिनट तक। ढक के पकाएंगे। अब ये आलू और गोभी मसालों के साथ अच्छी तरह से पक गए हैं, पानी भी एकदम से सूख गया है। देखिए अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम ढककर 2-3 मिनट तक पकाएंगे। अब 2-3 मिनट हो चुका है और ये हमारा सब्जी भी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप ये रोटी या चावल दोनों के साथ ले सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है खाने में, ये बहुत यम्मी है, बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे ये डिश आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट दीजिएगा। बाय।